साल 2023 में छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और एक साल से कम वक्त बचा हुआ, ऐसे में दोनों ही सियासी दल अपने अपने तरीके से अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं, सक्रिय हो चुके हैं। नए पुराने वोटरों को साधने के लिए मंत्री विधायकों के साथ दावेदारों ने नए नए तरीके अपनाना शुरू कर दिया है। कई नेता संत महात्माओं की शरण में हैं और कुछ प्रवचन भी करा रहे हैं। रायपुर और आसपास की सीटों की बात करें तो भाजपा नेता प्रवचन कराने में आगे हैं। जून में भाटापारा के विधायक शुरतन शर्मा ने पंडित प्रदीप मिश्रा का प्रवचन कराया था। 10 फरवरी को जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के विधायक प्रमोद शर्मा बलोदा बाजार में प्रवचन कराने वाले हैं। कुरूद में भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने जया किशोरी जी का प्रवचन कराया। 25 जनवरी को धमतरी में संगीतमय सुंदरकांड पाठ का आयोजन है। इन आयोजनों में कांग्रेस के विधायक भी सक्रिय हैं। प्रवचन चाहे जो कराए, नेता आसन जमाए रहते हैं। राजधानी रायपुर का गुड़ियारी क्षेत्र धार्मिक आयोजन का केंद्र बिंदु बन गया है। यह कथावाचक प्रदीप मिश्रा के बाद बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने राम कथा सुनाई, जिसमें लाखों भक्त शामिल हुए। दोनों कथाओं में कांग्रेस विधायक विकास उपाध्याय ने अपना पूरा समय दिया। भाजपा नेता भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहे हैं। भाजपा नेताओं का कहना है कि इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए। ये धार्मिक आयोजन होने चाहिए, धर्म जागरण होना चाहिए, इसको मैं राजनीति नहीं मानता। क्योंकि जब फिजा बदल रही है छत्तीसगढ़ की, धर्मांतरण और मतांतरण करने वालों की संख्या बढ़ गई है, तो ऐसे समय में अपने समाज को टटोलना, अपने समाज को व्यवस्थित रखना ताकि उसका ताना बाना मत बिगड़े, उस समाज का अस्तित्व बरकरार रहे, इसलिए अगर धार्मिक आयोजन हो रहे हैं तो मैं उसको बुराई नहीं मानता और इस प्रकार के आयोजन और अधिक मात्रा में होना चाहिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि लोकतंत्र में लोगों के बीच राजनेताओं को जाना पड़ता है। वो ऐसे कार्यक्रमों को माध्यम भी बना लेते हैं और जनता के बीच अपनी उपस्थिति भी जता देते हैं। राजनेताओं को जाना पड़ता है, इसलिए ऐसे कार्यक्रमों को लोग माध्यम भी बना लेते हैं। मुझे लगता है इसमें किसी को कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, धार्मिक आस्था बढ़ना भी चाहिए और लोगों का विश्वास अगर धर्म के प्रति बढ़ता है तो मुझे लगता है कि राजनीति के लिए भी अच्छा संदेश है। छत्तीसगढ़ के कई मंत्री और विधायक भी आने वाले दिनों में अपने क्षेत्र में बड़े स्तर पर भागवत कथा राम कथा कराने की तैयारी में है। इन आयोजनों से उन्हें जनता का आशीर्वाद मिलता है या नहीं, ये तो साल 2023 का चुनाव ही बताएगा। स्वप्निल गोरखेड़े, INews 24/7, रायपुर।